पर्सनल वीडियो चैट सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि उसके मोबाइल में ऐसे मैसेज भी मिले जिसमें वो गालियां दे रहा है। मामला जिले के बालसर थाना क्षेत्र के डांडनिया मठ का है। महंत लिखमपुरी के चैट और वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। अब संत को ग्रामीणों की निगरानी में रखा जाएगा। इस पूरे मामले में जब मठ के महंत का पक्ष जानने के लिए कॉल किया गया तो उनका फोन बंद था। महंत का वीडियो सामने आने के बाद 84 गांव के लोगों की बैठक बुलाई गई। इसमें महंत को मठ के कार्यों से दूर रखने का निर्णय लिया गया है। साथ में फरमान जारी किया गया है कि महंत यदि मठ से बाहर किसी भी आयोजन में जाते हैं तो ग्रामीणों की सहमति लेनी होगी और 5 ग्रामीण साथ रहेंगे। बैठक में ग्रामीणों का कहना था कि सरकत से गांव के लोगों में आक्रोश है और जल्दी मठ से बेदखल किया जाएगा। इधर इस मामले को लेकर विरोध दर्ज करवाने जा रहे संपत पुनिया और उनकी टीम को पुलिस ने अगलोई के पास रोक दिया। पुनिया ने बताया कि पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दे रही, जबकि इस तरह की हरकत करने वालों को मठ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बताया जा रहा है वीडियो करीब 2 महीने पुराना है। दावा यह भी है कि ब्लैकमेल करने के लिए संत के इस वीडियो को शेयर किया गया। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। रील बनाने के शौकीन महंत ने 31 जनवरी 2023 को एक रील अपलोड की थी जिसमें लिखा, पुरुष को एक स्त्री का हमेशा साथ चाहिए, फिर चाहे मंदिर हो या संसार। इसी रील में स्त्री की एक फोटो के साथ लिखा, इनको प्रकृति ने इतनी ताकत दी है कि किसी भी चीज को आबाद और बर्बाद दोनों कर सकती है। जोधपुर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर यह मठ बना हुआ है जो करीब 500 साल पुराना है। यहाँ कई संतों की समाधियां भी है। यहाँ पर पूर्व के महंत भंवरपुरी के निधन के बाद करीब 6 साल पहले लिखमपुरी को महंत बनाया गया था। इसके बाद से ही लिखमपुरी मठ का सारा कामकाज देख रहे थे। इतना ही नहीं, उत्तराधिकारी होने के नाते मठ की प्रॉपर्टी भी पहले से महंत के नाम थी। प्राचीन मठ होने की वजह से यहाँ आसपास के कई गांव के श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मठ से करीब आसपास के 84 गाँव जुड़े हैं। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।